नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दसवीं चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 और 10 के विभिन्न पंचायतों का आज मतदान होना था और इसी क्रम में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुल 68.80% मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बड़ी मात्रा में सुनिश्चित दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि यह क्षेत्र जो दुर्गामी क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र, और इसमें 3-4 नदी भी पड़ती हैं। इस संबंध में खास जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान SP अमितेश कुमार ने पंचायत चुनाव में किए गए कार्यों का खास अनुभव भी रखा। आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पंचायत चुनाव में खास करके पुलिस बल की भागीदारी को लेकर क्या कुछ कहते हैं और विधि व्यवस्था को लेकर कितना सजग रहे हैं। लगभग आज जो चुनाव अंतिम हो रहा है, इसके लिए खास करके पुलिस प्रशासन की भूमिका रही है, और हमने देखा भी है कि आप नदी पार कर टटरी पुल पर पार कर नदी के पार कर क्षेत्रों में भ्रमण किया है, तो आकर बारे में पंचायत चुनाव कैसा अनुभव रहा है? बारिश के दिनों में भी हमने देखा है कि बारिश में भींग कर आप काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है इस अंतिम चरण के चुनाव में? पेलघड़िया एक जो है दूरस्थ इलाकाएँ बहुत सारी हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग को जो हमारा कार्यशैली रहती है उसमें इस तरह की सभी दिक्कतों के लिए प्रशिक्षण दी जाती है, और किसी भी जगह पे चुनाव जहाँ भी होता है वो संवेदनशील रहता है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से वहाँ पे पर्याप्त तैयारियाँ आवश्यक होती हैं, तो माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित मापदंड है उस अनुसार बल की प्रतिनियुक्ति, मैजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 4 लेवल पे 4 स्तर पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। हम लोग, मैं और DM साहब भी, हम लोग भी, आपने देखा होगा, हर चरण में हम लोग जो है भ्रमणशील रहते हैं। हम भी खुद को एक पेट्रोलिंग की व्यवस्था ही समझ करके भ्रमणशील रहते हुए, और ये हम लोग का उद्देश्य रहता है कि शांतिपूर्ण मतदान हो, और आशा करता हूँ ये वाला मतदान भी शांतिपूर्ण होगा। धन्यवाद।